हाय लर्नर, दिस इज प्रतिमा शर्मा। आज हम स्टार्ट स्कूल शुरू करने वाले हैं। सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल है, चैप्टर 14 है, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। ओके, सो स्टार्ट की थोड़ी हिस्ट्री से जानेंगे कि चैप्टर को स्टार्ट करूंगी मैं। ओके, सो स्टैट्स होता क्या है, स्टैटिस्टिक वर्ड का ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये टर्म आया हुआ है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वर्ड का ओरिजिन है ऐसा माना जाता है। जैसे लैटिन वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड एक स्टैटस वर्ड से निकला हुआ है स्टैटिस्टिक। कुछ अदर स्कॉलर्स का मानना है कि ये ओरिजिन है इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से, और जर्मन के अकॉर्डिंग ये स्पेलिंग होती थी, बाद में इसको चेंज करके स्टैटिस्टिक बना दिया गया। फ्रेंच के अकॉर्डिंग ये है, और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वर्ड्स के ओरिजिन माने जाते हैं स्टैटिस्टिक की। ओके, सो अगर हम इंडियन की बात करें तो कौटिल्या थे तो हम बेसिकली विष्णु गुप्ता थे, जिनको चाणक्य के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र नाम की उनकी बुक थी, उनमें स्टैटिस्टिक को डिफाइन किया था, स्टैटिस्टिक जैसा कुछ। ओके, सो आगे इस स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन क्या है स्टैटिस्टिक की, सो आगे हम देखते हैं। स्टैटिस्टिक को आप डिफाइन कर सकते हो सिंगुलर सेंस में भी और प्लूरल सेंस में भी। सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस दोनों सेंस में किया जा सकता है। अब सिंगुलर, अगर मैं प्लूरल सेंस की बात करूं तो आपके पास दो टाइप की डेटा होती है, जैसे क्वालिटेटिव डेटा एंड द क्वांटिटेटिव डेटा। अब क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा होती क्या है? क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होती है जिसे आप नंबर में क्वांटिफाई नहीं कर सकते, और क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा होती है जिसे आप नंबर में क्वांटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी की ब्यूटीनेस की बात करूं तो मैं क्या इसे क्या नंबर में क्वांटिफाई कर सकती हूँ? नहीं, कि कौन कितना ब्यूटी है, एक ब्यूटी है, दो ब्यूटी है, नो, आई कैन नॉट डिफाइन इट। ओके, सो क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होती है जिसे आप नंबर में क्वांटिफाई नहीं कर सकते, और क्वांटिटेटिव डेटा जैसे मैं बता सकती हूँ वो कितना किसी का वेट कितना है, 1 kg है, 2 kg है, कितना लीटर, मीटर, जो आप बेसिक यूनिट में आप जिसे आप मेजर कर सकते हो। बेसिकली जो मेजर कर सकते हो वो क्वांटिटेटिव है, और ये अनमेजरेबल होती है। इस क्वालिटेटिव को आप कैसे मेजर करते हो? क्वालिटेटिव मेजर होती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है उस चीज का? एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट बताता है कि क्वालिटेटिव डेटा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ओके, और ये ओके, एक और मैं मेजर डिफरेंस आपको मैं यहाँ एक चार्ट के थ्रू समझाती हूँ। देखो यहाँ पे, सो ये देखो, क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होती है जो आप एट्रीब्यूट के बेसिस पे मेजर करते हो। ओके, और क्वांटिटेटिव डेटा जिसे आपने नॉर्मली न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब क्वांटिटेटिव डेटा एक्सप्लेनेटरी होती है, क्वालिटेटिव डेटा कंक्लूसिव होती है, थोड़ा ही टेक्निकल टर्म होता है। अब एक और एग्जांपल आपने देखा होगा, क्वालिटेटिव डेटा का बेस्ट एग्जांपल है जैसे फेयर लवली की एड आती है, उसमें दिखाते हैं कि एक वीक में 1% इतना गोरा हो गया, दूसरे वीक में इतना गोरा हो गया, तीसरे वीक में इतना गोरा हो गया। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उसकी ब्यूटीनेस को कैसे मेजर कर रहे हो? उसको आपने नंबर दे दिया, रैंकिंग कर दी, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये एक टाइप का रैंकिंग वाला हो गया, रैंकिंग डेटा, यानी ऑर्डिनल टाइप हो गया। ये कार्डिनल हो गया, ये ऑर्डिनल हो गया, और ये कार्डिनल हो गया। ओके, ये हमेशा क्वालिटेटिव डेटा हमेशा सब्जेक्टिव होता है और ये ऑब्जेक्टिव होता है। इसकी अप्रोच क्या होती है? सब्जेक्टिव और इसकी ऑब्जेक्टिव। ये नॉन स्ट्रक्चर होती है और ये वाला स्ट्रक्चर होता है, मतलब जैसे स्टैटिकल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ था नॉन अनस्ट्रक्चर होते हैं ये स्ट्रक्चर होते हैं, ये नॉन स्टैटिकल होते हैं ये स्टैटिकल होते हैं, जिसमें आप इन डेप्थ स्टडी की करते हो और इसमें आप लेवल ऑफ अकर्नेंस चेक करते हो। तो ये मेजर डिफरेंस हो गए क्वालिटेटिव डेटा एंड द क्वांटिटेटिव डेटा। आगे हम अपने उस पे आते हैं। सो डेफिनेशन में यही दे रखा है कि आप प्लूरल सेंस में आप उसको क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा में स्टडी करते हो, सिंगुलर सेंस में तो नॉर्मली आप उसको कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, प्रेजेंट करते हो। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक की बात करूं तो स्टैटिस्टिक का एप्लीकेशन हर जगह है, ठीक है, इकोनॉमिक के फील्ड में है, मैनेजमेंट के फील्ड में है, कॉमर्स के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, तो हर जगह है, इसी नॉर्मल सी बातें हैं। आगे अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं तो लिमिटेशन क्या होती है स्टैटिस्टिक की? तो सबसे
बड़ी लिमिटेशन ये है, पहली लिमिटेशन यहाँ पे दे रखा है कि स्टैटिस्टिक क्या होती है, डील करता है एग्रीगेट फैक्ट के साथ। स्टैटिस्टिक डील करता है एग्रीगेट के साथ, इंडिविजुअल का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। स्टैटिस्टिक का कंसर्न होता है क्वांटिटेटिव डेटा के साथ। अगर आप क्वालिटेटिव डेटा के साथ स्टडी करना चाहते हो तो क्वालिटेटिव डेटा को पहले आपको क्वांटिटेटिव डेटा में बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे क्वालिटेटिव डेटा, एक और एग्जांपल, मैं किसी की इंटेलिजेंसी चेक करना चाहती हूँ तो कोई कितना इंटेलिजेंट है तो मैंने उसको कैसे जज किया, उसके मार्क्स के बेसिस पे। तो मैंने उसकी मार्क्स को रैंकिंग दे दी, तो अब मैं रैंकिंग को स्टडी कर सकती हूँ। तो ये इसकी दूसरी और बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है। आपका डेटा, आपका फ्यूचर प्रोजेक्शन गलत हो सकता है। अगर आपका डेटा इनएक्यूरेट है, अगर उसमें बायसनेस है, वो उसकी एक्यूरेसी सही नहीं है, तो वो हो सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा। अब अगर लार्ज नंबर ऑफ डेटा है तो हमारा स्टैटिस्टिक इफेक्ट हो सकता है, जो डेटा है हम डेटा पर इफेक्ट हो सकता है। और हमेशा ध्यान में रखना होता है कि जो स्टैटिस्टिक है, वो डेटा जो भी लिया है आपने, वो सिस्टमैटिक वे से कलेक्टेड हो, कोई उसके अंदर बायसनेस ना हो। तो ये कुछ इसकी मेजर लिमिटेशन थी स्टैटिस्टिक की। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आती है आपके पास दो टाइप के, आप डेटा कैसे कलेक्ट करते हो, या प्राइमरी वे से या सेकेंडरी वे से। ओके, तो प्राइमरी डेटा जो आप खुद जाके आपने डेटा को कलेक्ट किया है, और सेकेंडरी डेटा किसी और पर्सन, किसी एजेंसी के थ्रू कलेक्टेड है, तो आपने वहां से स्टडी ले लिया। ओके, तो ये आपके कहलाते हैं क्या, सेकेंडरी डेटा। अब मैं इसके सोर्स की बात करूं कि प्राइमरी डेटा कहाँ कहाँ से मिलेगा मुझे, प्राइमरी डेटा के सोर्स क्या होते हैं। सबसे पहले जैसे ये सेकेंडरी डेटा का है। ओके, प्राइमरी डेटा के लिए आप किसी इंटरव्यू मेथड का, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए आपने इंटरव्यू मेथड अप्लाई किया, या मेल क्वेश्चन आर कराया, ऑब्जर्वेशन किया, या क्वेश्चन फिल्ड कराया आपने किसी को भेज करके। ओके, तो इंटरव्यू में आप वहां पे डायरेक्ट, एक तो इंसुलेटर होता है या इंटरव्यूअर होता है, और वहां पे इंटरव्यूई होती है, दैट इज रेस्पॉन्डेड होता है, वो आपस में डायरेक्टली बात करके वहां से आप डेटा कलेक्ट करते हो। मेल क्वेश्चन आर में आप बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल के तक पहुंचना चाहते हो, तब आप मेल क्वेश्चन आर का इस्तेमाल करते हो। आपने बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल भेजकर डेटा कलेक्ट करवाया। और यहाँ पे मेल क्वेश्चन आर में दो टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड और दूसरा होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड तो नहीं होता, ओपन एंडेड, ठीक है। तो अब ओपन एंडेड ज्यादातर क्वेश्चन मेल क्वेश्चन आर में होते नहीं है, ज्यादातर क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप किसी का डायरेक्टली येस या नो के फॉर्म में आंसर लेते हो। जैसे कि अगर आपने किसी से क्वेश्चन पूछा कि आप क्या शादीशुदा हैं, आर यू मैरिड, तो उसका जवाब या तो यस में होगा या तो नो में होगा। तो ये आपके कहलाते हैं क्लोज एंडेड। ज्यादातर आपके मेल क्वेश्चन आर में क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। और ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे मैंने किसी से पूछा कि आपका क्या ओपिनियन है कि सोशल नेटवर्क का बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसके जवाब बहुत सारे मुझे मिल सकते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन मेथड में आप एक टाइम पीरियड के बाद आप लगातार उस चीज को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। अब जैसे आपने क्वेश्चन आर फॉर्म फिल करवाया और आपने किसी को भेज करके वो डेटा कलेक्ट करवाया, अब ज्यादातर आप फॉर्म देखोगे तो फॉर्म में आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओके, सो ये आपके सोर्सेस हो गए। अब यहाँ पे इंटरव्यू मेथड को भी तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, पर्सनल, इनडायरेक्ट और टेलीफोनिक। पर्सनल में वहां पे इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यू ही होती है, और आपस में क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं। इनडायरेक्ट मतलब उस पर्टिकुलर कोई इवेंट से रिलेटेड कोई एसोसिएटेड पर्सन है, उससे आपने डेटा कलेक्ट कराया, तो वो इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड में आता है। मतलब वो पर्सन डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं था, पर वहां से वो कुछ ना कुछ वो एसोसिएटेड था। टेलीफोनिक में जैसे आपने टेलीफोनिक फोन पे आपने इंटरव्यू कंडक्ट कराया, तो ये आपका टेलीफोनिक हो जाता है। तो आगे हम बढ़े, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा का सोर्स क्या है, जो आप किसी अदर एजेंसीज ने ले रखा, मतलब डेटा कलेक्ट कर रखा है, जैसे इंटरनेशनल सोर्स में WHO की वेबसाइट से ले लिया, LO की वेबसाइट से ले लिया आपने, IMF की वेबसाइट से ले लिया, तो ये कहलाती है आपकी सेकेंडरी सोर्स है, जो इंटरनेशनल सोर्सेज की एग्जाम्पल दे रखा है। आप गवर्नमेंट एजेंसीज की आप कोई भी स्टैटिकल डेटा उठाते हो, जैसे फूड
मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर है, कोई ऐसे एग्जांपल, कोई प्राइवेट है या फिर कोई क्वाजी गवर्नमेंट सोर्सेज से आपने पिकअप किया है, अनपब्लिक सोर्स से आपने डेटा लिया है, तो ये आपकी सेकेंडरी डेटा होती है जो ऑलरेडी कोई एजेंसी किसी पर्सन के थ्रू लिया हुआ होता है, ठीक है। अब स्क्रूनिटी ऑफ डेटा कैसे, अब स्क्रूनिटी ऑफ डेटा करने के लिए आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, आपका खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी इंटेलिजेंसी, कितना पेशेंस के साथ आपने डेटा कलेक्ट किया है, आप किस फिट आपका ये, इससे आप स्क्रूनिटी कर सकते हो, मतलब कोई डेटा कितना एक्यूरेट है उसके लिए आप, कोई रूल तो नहीं है, बस आप डेटा आप देखोगे कि डेटा बायस फ्री हो, उसमें बायसनेस ना हो और सिस्टमैटिक वे से हो, मतलब कोई अपनी ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन ना हो, तो ये कहलाती है आपकी स्क्रूनिटी ऑफ डेटा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और भी सारी बातें, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग session.